मणिपुर में हालात बेकाबू, विष्णुपुर में फिर भड़की हिंसा, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, गोलियों की आवाज से गूंजा इलाका, विष्णुपुर में मौके पर पहुंचा आज तक। और ये पॉम्पी गन फटा है। भारी भरकम गोलीबारी हो रही है, पुलिस फोर्सेस हमारे साथ हैं और गोले भी, दरअसल देखिए गोले भी दागे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि स्थिति कितनी खराब है। विष्णुपुर में फिर से भड़की थी हिंसा बीती रात। हिंसा में मैथिली समुदाय के 3 लोगों की जान चली गई। उपद्रवियों ने मैथिली समुदाय के घरों में भी आगजनी की। इलाके में जबरदस्त तनाव। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद आज भी बुलडोजर एक्शन में है। तोड़ा गया अवैध निर्माण। नूह में धारा 144 के बीच आज तोड़ी जा रही अवैध दुकानें। सड़कों के किनारे अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन। नूह के कल नलहर मंदिर के पास पहाड़ से सटे क्षेत्रों में अवैध झुग्गियों पर चला था बुलडोजर। तोड़ी गई थी 200 से ज्यादा झुग्गियां जो अवैध थी। नलहर मंदिर से ही हुई थी हिंसा की शुरुआत। नूह हिंसा मामले में सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का भी तबादला हुआ। पहले बदले गए थे नूह के एसपी। नूह हिंसा मामले में अब तक 101 एफआईआर रजिस्टर्ड, 202 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक। आज तीसरे दिन भी ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का कार्य जारी है। सुबह 8 बजे से 16 सदस्य एएसआई की टीम सर्वे में जुटे हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पेपर वर्क से जुटाए जा रहे हैं साक्ष्य। ज्ञानवापी में एएसआई टीम ने गुंबद और खंभों का किया सर्वेक्षण। त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्हों को रिकॉर्ड में लिया गया। शर्तों के साथ जारी है सर्वे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, स्ट्रक्चर को नहीं पहुंचाए नुकसान। ज्ञानवापी में हो रहे एएसआई सर्वे में आज शामिल हो रहा है मुस्लिम पक्ष। कहा सर्वे टीम को करेंगे पूरा सहयोग। और उसके तहत अब हम शरीक हो रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है और हम उस कानून का पालन कर पूरा सहयोग हम लोग। जबकि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर सीजीआई ने कहा एएसआई की रिपोर्ट भेजी जाएगी ट्रायल कोर्ट, उसके बाद जिला न्यायाधीश के निर्देशों का किया जाएगा पालन। बिहार के रक्सौल के एक टेंट दुकान में भीषण आग। आग की लपेटे में आने से आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही। मंडी के पंडों में फिर से लैंडस्लाइड। पत्थर गिरने से कई घंटों तक रास्ता बंद। चमोली में भारी भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। मलबा हटाने के काम में लगा प्रशासन। विकासनगर के एक नाले में बह गई कार। गांव के लोगों ने रेस्क्यू करके बचाई कार सवारों की जान। ओडिशा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। ओडिशा में भारी बारिश के कारण मंदिरों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों के रेस्क्यू का कार्य जारी। एमपी के रायसेन में बारिश के चलते नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश के कारण बढ़ा नदी का जलस्तर। जान का जोखिम उठाकर पुल पार करते हुए दिख रहे हैं लोग। नई दिल्ली में देखा मानसून का असर। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न। सरोजनी नगर मार्केट में भी जलभराव। बस्ती में ऑफिस से घर जा रही युवती को घात लगाए बैठे कुछ लड़कों ने घेरा। किसी तरह पीड़िता बदमाशों के चंगुल से बची। आरोपियों की तलाश जारी। थाने में पाटलीपारा ब्रिज पर सड़क दुर्घटना में 6 लोग जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथरस में एक ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत। हाथरस में कच्ची दीवार ढहने से एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत। रात में सोते वक्त यह हादसा हुआ। असम के जोरहाट में पीताबर स्टेशन इलाके में आग लगी। कई दुकानें क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। मुजफ्फरपुर में ठेला गाड़ी ने महिला को रौंद दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सागर में अपहरण के आरोपी ने महिला दुकानदार पर फायरिंग कर दी। बाल बाल बची जान। तुमकुर में एक गुट ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। पुरानी रंजिश का मामला। छपरा सदर अस्पताल में इलाज करते दिखे सुरक्षाकर्मी। वायरल वीडियो पर उपाधीक्षक ने जांच करने की बात कही। मोतिहारी में एक प्रेमी युगल को तालिबानी सजा। मां बाप और दादा ने भीड़ के सामने पीटा। मेरठ में तमंचा और चाकू के साथ बाप बेटे का वीडियो वायरल। दोनों को किया गया गिरफ्तार।
दरभंगा में बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला के गले से उड़ा दी सोने की चेन, बदमाश की पहचान कर रही है पुलिस। जबकि झांसी में तीसरी मंजिल से गिर गया युवक, गंभीर तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। कौशाम्बी में पिता ने स्कूल नहीं जाने पर हाथ पैर बांध कर बेटे की पिटाई की, जांच कर रही है पुलिस। बिहार के शिवहर में संपत्ति को लेकर जीजा ने की साले की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार किए गए। सूरत में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आरोपी ने युवक की हत्या के बाद उसकी पत्नी से किया रेप, आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख की नामी महिला नक्सली सहित दो नक्सलियों ने किया सरेंडर। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हसीब अहमद के बिगड़े बोल, प्रधानमंत्री मोदी पर की अभद्र टिप्पणी, केस दर्ज। पठानकोट में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान ने पकड़ा संदिग्ध व्यक्ति, पुलिस कर रही है तफ्तीश। पुणे में बढ़ा आई फ्लू का खतरा, शहर में हर दिन मिल रहे हैं 2500 पेशेंट्स। दिल्ली के खुदरा बाजारों में और लाल हुआ टमाटर, टमाटर की कीमतें 200 के पार। भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाया प्रतिबंध, अब इनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। डेंगू के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने की पहल, हर शुक्रवार डेंगू पर वार मुहिम का किया आगाज। लेह में स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर की पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन, कई अधिकारी इसमें शामिल हुए। मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत, राहुल की 2 साल की सजा पर फिलहाल लगाई गई है रोक। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला से मिलने का वक्त मांगा, राहुल की सदस्यता बहाली पर बातचीत करेंगे। लोकसभा सचिवालय ने कानूनी विभाग के पास जाएगा यह मामला, वहां से पहुंची रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे स्पीकर ओम बिरला। सोमवार तक सदस्यता बहाल होने की स्थिति, राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर शुरुआत पर चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के सदन के भीतर की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, लिखा आ रहा हूं। उधर पंडारा पार्क स्थित मीसा भारती के घर लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, सदस्यता बहाली पर बात। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर खड़गे ने सरकार पर उठाए सवाल, पूछा सजा के बाद 24 घंटे में अयोग्य घोषित हो गए थे राहुल गांधी, सांसदी बहाली होने में कितना वक्त लगेगा। राहुल की सजा पर लगी रोक पर आने में डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ, अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। उधर राहुल की सजा पर लगी रोक पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कहा आजादी के बाद राहुल गांधी पहले शख्स हैं जिन्हें मानहानि मामले में 2 साल की पूरी सजा मिली थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा न्याय की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं। संसद का मानसून सत्र अगले सप्ताह होने वाला है समाप्त, सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों ने प्रमुख मुद्दों पर बनाई रणनीति। दिल्ली सेवा विधेयक को लोकसभा से मंजूरी, अब 7 अगस्त को राज्यसभा में आएगा दिल्ली सेवा बिल। अगले मंगलवार से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर होगी बहस, 10 अगस्त को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव पर बरसे सीएम शिंदे, कहा आप हैं महागद्दार, आपने पार्टी कार्यकर्ताओं की पीठ में खंजर घोंपा। विधानसभा में बगैर नाम लिए उद्धव ठाकरे पर सीएम शिंदे का प्रहार, बोले सत्ता के लिए 25 साल पुराने साथी को छोड़ दिया। ओडिशा दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। गृहमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की शुरुआत भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने की 5 अगस्त को चौथी सालगिरह, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। अमरनाथ यात्रा निरस्त होने की अफवाह पर बोली सरकार, कहा अमरनाथ यात्रा नहीं रोकी जा रही, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी एनकाउंटर में 3 जवान शहीद, सुरक्षा बलों की घेराबंदी जारी।